ये तो हमारी ट्रिप का तस्वीर है, जहाँ भी जाना है कुछ ना कुछ छोड़ के तो जाना है कुछ। और ये कह रहे हैं कि आप बहुत कम टाइम के लिए आए हो, पोखरा भी अगर आप एक महीने के लिए आओगे तो पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। मैं मिरर पे देखे जा रहा हूँ, वो लाइट बहुत अच्छी दिख रही है। Something in me changed, don't know why. You got me high, but I'm sober. You make me lonely when I'm by myself. गुड मॉर्निंग घुमकड़ो, एक और दिन की शुरुआत आप लोगों के साथ। टाइम हो गया 10:05, अभी हूँ मैं पोखरा में और यहाँ से आज निकल रहे हैं काठमांडू के लिए। बाइक साइक रेडी हो गई है, लगेज भी आ गए हैं अपने, बस लगेज रखना है। और मैं पेन या टॉप बॉक्स तो उतारता नहीं हूँ, उसी में सब सेट कर दूंगा बस, और वो अभी रेडी भी नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा मैं आकर कम से कम लगेज तो सेट कर लूँ और जो बाइक है उसको कोल्ड स्टार्ट कर लेता हूँ। और ये भैया आज आ गए हैं फिर, और ये कह रहे हैं 100 किलोमीटर तक की राइड हम साथ करेंगे, है ना? साथ करेंगे। हाँ, मैं 8 बजे आ गया था, मैंने 2 आवर वेट किया है। हाँ, अभी टाइम 10:05 हो गया है। चलिए, कोई बात नहीं, उन्हें आराम भी करना चाहिए, रात भर यूज करते हैं, आप लोग को मानना पड़ता है। आपके लिए वो दिन भर वो राइड करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, रात भर यूज करते हैं। सो प्लीज शो सम लव टू हिम टू। और फिर हमारी नींद पूरी नहीं होती है, फिर हम बाइक चलते हुए बाइक पर सोते हैं। आ नहीं रहा है, बताइए कैसा लगा? नहीं आ रहा है आपका वो, उसको हाँ निकालना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, याद के तौर पर रहेगा। तो कुछ इस तरह और जगह वेलकम होता है, यहाँ से एग्जिट ऐसे हो रहा है। चलो चलो, बाय 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 बाय, चलो भाई निकलो। और इसको जैसे ही निकलने को होते हैं ना, इसकी इमरजेंसी कॉल आ जाती है, फिर टाइम लगाता है, होकर आया है। इतनी नेचर कॉल, मतलब तुम्हें समझ नहीं आती, जब ऊपर रहते हो जब करूं, नीचे आए हो रेडी हो फिर गए हो। मेरे को लगता तुम्हें ना वहाँ सेफ्टी की जरूरत होती है, इसलिए तुम राइडिंग गियर पहन के जाते हो जब भी जाते हो। चलो भाई निकलते हैं फाइनली। निकलते निकलते मतलब मैं 10 बजे से पहले रेडियो के नीचे आ गया था, और 11:30 हो रहे हैं, बड़ा टाइम लगाते हैं। और अभी भी कह रहे हैं बस बाहर निकलते ही खाने के लिए रुक रहे हैं। बाकी ठीक था, इधर स्टे ठीक था, हमारे 12,000 रुपये लगे 3 दिन के, और उसके बाद 3,000 रुपये ऑलमोस्ट हमारा बिल आया ब्रेकफास्ट का, जो हमने कल ब्रेकफास्ट किया था। बाकी तो यहाँ कुछ था ही नहीं खाने के लिए, जब कॉल करें रेस्टोरेंट बंद है, वो बंद है। अब राइट गए, लेफ्ट जाना तो हमें लेफ्ट है, लेकिन खाने के लिए राइट गए। मेरे ना ग्लव्स खो गए हैं, मैं एक होटल पर रुका था, वहाँ ग्लव्स देख के आ रहा हूँ। ठीक है, आप में से या तो एक उधर चले जाओ, एक मेरे साथ आ जाओ, ठीक है? उनको तो मैं ढूंढ ही लूँगा, ग्लव्स ढूंढ लूँ, नहीं तो मुझे यहाँ से परचेज करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी सफ़र बच रहा है। और ऐसी हमारी कोई राइड या ट्रिप होती नहीं है जिसमें कुछ खोए ना। और ये ग्लव्स ना अभी अभी, मतलब बिल्कुल अभी मैंने वहाँ से लिए थे जयपुर जब गए थे। लेकिन पहले हम जब ये होटल लेने आए थे, उससे पहले हमने ये आला होटल देखा था, तो हमें पसंद नहीं आया और प्राइस भी बहुत ज़्यादा था। हेलो, नमस्ते, मैं अभी ना 3 दिन पहले आया था, तो मेरे ग्लव्स रह गए थे इधर। लकी रूम लिया नहीं था, देखने के लिए आया था, तो वो उतार कर रख दिया था, क्योंकि ग्लव्स में पहन के आया था। एक हम खाने के लिए रुके थे, सेकंड यहाँ रुके, थर्ड हमने लिया था रूम। अभी देख लेंगे, जहाँ खाने के लिए रुके थे जाना तो वहीं से है, नहीं है? चलिए थैंक यू। चलिए भाई, ग्लव्स तो नहीं मिल रहे, या तो परचेज कर लेते हैं, क्योंकि ट्रिप अधूरी नहीं रहनी चाहिए, कुछ खोएगा जब ही तो याद रहेगी ना, वहाँ ये चीज़ रह गई थी हर ट्रिप में, किसी में चश्मा, किसी में ग्लव्स, किसी में कैप। ये तो हमारी ट्रिप का तस्वीर है, जहाँ भी जाना है कुछ ना कुछ छोड़ के तो जाना है, कुछ ना कुछ लेके जाना है और कुछ ना कुछ छोड़ के जाना है। यादें लेके जा रहे हैं, एक यहाँ से जो वो चाकू है, पता नहीं यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक वो लेकर जा रहे हैं। अब ग्लव्स जिसके पास होंगे वो याद रखेगा कोई ना कोई बंदा था जो छोड़ गया। और ये खड़ी अपनी बाइक, इधर लगाऊं? ठीक है, नहीं मिला, कोई नहीं, देख लो। एक रेस्टोरेंट में और रुके थे वहाँ, और देख लेंगे जाते हुए ना रास्ते में। वो रास्ता
रास्ते में हमें खरीद लेंगे। हाँ ठीक है, खरीद लेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको लाइव नहीं दिखा पाते हैं, मतलब जैसे अभी कुछ स्टोरी हमने बनाई इंस्टाग्राम पे, हमारा स्वागत कुछ और तरीके से भी किया गया था, तो वो आपको इंस्टाग्राम पर देखने के लिए मिलेगा। तो फॉलो कर लीजिए, वहाँ जाकर देख लीजिए, लाइक कर दीजिए फोटो। नहीं वह तो वहाँ हो सकता है जहाँ खाना नहीं खाया था बिरयानी, और वो बस उसके अलावा तो पहन के ही आया था। ब्रेकफास्ट हो गया है, और जो ब्रेकफास्ट हुआ है ना वो 12:15 बजे हुआ है, मतलब मान लो 12:15 हमने स्टार्ट किया था, आधा घंटा खाने में लगा, और अब निकलते हैं इधर से। ये बोलते तो हैं सुबह सुबह निकलेंगे, 9 बजे निकलेंगे, 10 बजे, लेकिन निकलते निकलते देख लो 12:15 ही हो जाते हैं। कल से हम भी आराम से उठ कर रेडी होंगे। रात को पहले ही लेट सोता हूँ, 3-4 बज जाते हैं एडिट करने में, सुबह जल्दी उठ कर रेडी हो जाता हूँ, क्योंकि बोलते हैं जल्दी निकलेंगे लेकिन वो हो नहीं पाता है। तो कल से हम 3-4 बजे एडिट करके आराम से सोए क्यों ना। You and I thought I was okay till something in me changed. Don't know why, don't know why. You got me high but I'm sober. You make me lonely when I'm by myself. I should be free but I'm hoping that we could be something in the end. Something more than friends. सीधे चले गए हैं, मैंने यू टर्न लिया है क्योंकि लेफ्ट में रुके थे, जो रुके थे ना रेस्टोरेंट पर, तो उस पर और गलत ट्राई कर लेते हैं। मेरे ख्याल से तो यही रोड था। एक तो सब रोड ना हमें सेम लग रहे हैं। पहले मैं ढूंढ लेता हूं क्योंकि मुझे लग नहीं रहा इधर है, और टाइम लगेगा ढूंढने में क्योंकि इस तरह के यहाँ पे ना 5-6 रोड है। तो अभी क्या सीन है ना, मेरे को ये याद आ गया कि वो देवीज फॉल के पास था, मतलब जब हम कल देवीज फॉल गए थे रास्ते में मैंने वो रेस्टोरेंट देखा था, तो मैंने उसकी लोकेशन डाल ली है क्योंकि 20 मिनट से मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल तो रही नहीं है जगह। एक बार ट्राई कर लेते हैं, मिल जाते हैं तो, क्योंकि ग्लव्स की मैं शॉप भी पता करी 1-2 बंदों से, तो शॉप भी इधर नहीं है। तो ये आ गए हैं यहाँ पे, राइट पे देखोगे एयरपोर्ट है, और बिल्कुल सामने ही ना लेन खड़ा हुआ है, बिल्कुल यहाँ से एंट्री होती है, बस यहाँ से अपनी फ्लाइट हो जाती है। बहुत ही पास में रोड के, इधर रोड और इधर वो। जब मैं तानसेन से आया था ना पोखरा, तो इसी रोड से आया था, मैं इस रोड से वापस जा रहा हूँ जिससे मुझे अंदाजा हो जाए उस शॉप का। बाकी मैंने इधर ना अपनी वीडियो चला लिया क्योंकि वीडियो से पता चल जाएगा मैं किस जगह था, तो किसी को भी वो लोकेशन दिखाऊंगा बता देंगे। सेकंड मैं ये भी देख लूंगा कि ग्लव्स उसके बाद मैंने पहने हैं या नहीं पहने, तो ये भी फायदा है हमारी वीडियो का, देख लो अब वीडियो से पता चल जाएगा, इसमें देख के मैं चेक कर लूंगा। तो ये जब आंटी के वहां से निकला हूं ना मैं भालूपहाड़ से, तो देखो जब मैं ग्लव्स पहन रहा हूं, तो उसके बाद सेकंड स्टॉप मैंने यहीं लिया था, तो मेरे को लगता है यहीं होगा जो रेस्टोरेंट ना, बस उसको ढूंढना है वो है कहाँ। रोड तो मैंने पहचान लिया यही वाला था क्योंकि मैं अनमोल को ढूंढ रहा था उस टाइम, लेकिन अब मैं उस शॉप को ढूंढ रहा हूँ। मिल जा मिल जा मिल जा भाई, रेस्टोरेंट मिल जा, अब ग्लव्स ना मिले लेकिन वो रेस्टोरेंट मिल जाए, फैमिली रेस्टोरेंट। हाँ ब्लू कलर का दिखा है ना, है ये बिल्डिंग है ना, है वहाँ पे वही है, वो बिल्डिंग है देखो उधर से, तो मैं होके आया मुझे दिखाई नहीं। चलिए फाइनली मिल गया मुझे, ये थोड़ा अंदर है ना, दिख नहीं रहा था, इसी रोड से मैं 3 बार चला गया क्योंकि रोड तो मुझे पहचान में आ गया था, लेकिन रेस्टोरेंट थोड़ा इन बिल्डिंग के अंदर है। भैया मैं ग्लव्स है ना, हाँ मेरे को लगा है यही। थैंक यू थैंक यू। अच्छा कमेंट्स किया था यूट्यूब पर। चलिए जी मिल गए हमारे ग्लव्स, जो कि न्यू इसी राइड के लिए मैंने लिए थे, और अब यहाँ से मैंने काठमांडू की लोकेशन डाल ली है गूगल मैप पर, और उनसे फ़ोन पे भी बात कर ली है, वो मुगलिन कोई जगह है वहाँ पर पहुँचे हैं, मतलब वहाँ पर वो कह रहे हैं हम रुकेंगे। तो निकलते हैं इधर से और देखते हैं रास्ते में जहाँ पड़ेगा मुगलिन वहीं रुक जाएंगे। देख लो मेहनत रंग लाती है, थोड़ी सी मेहनत की तो हमें ग्लव्स मिल गए, थोड़ा ढूंढना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, लेकिन फाइनली हमारे ग्लव्स हमें मिल गए। इसलिए कहते हैं मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, कभी ना कभी तो मेहनत रंग लाती है। और यहीं पर मैं आलस कर जाता, सोचता छोड़ो यार नहीं होंगे वहाँ पे, तो हमें कहाँ ग्लव्स मिलते बताओ। लेकिन होता क्या है ना, हमारे पास इतनी एक्सेसरीज हो जाती है, कुछ ना कुछ तो भूल ही जाते हैं कहीं ना कहीं, ग्लव्स हेलमेट और इतना सारे एसेसरीज, कैमरा एसेसरीज, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रह ही जाता है, रूम में भूल जाता है। जैसे अभिषेक भूल गया अपना चार्जर ही भूल गया वो रूम में, यहाँ से वो सीधा गए थे, फिर मैं पहले राइट गया, फिर लेफ्ट गया, फिर पीछे गया, फिर मतलब चारों तरफ घूम के एंड में मिल गया। क्यों भैया सही बात है ना, सही बात है ना, नहीं सही बात नहीं है, सही बात नहीं है, हाँ सही बात है।
और जो काठमांडू है ना, अब यहाँ से 200 किलोमीटर भी नहीं है, लेकिन 200 किलोमीटर के लिए देखो 5 घंटे 50 मिनट दिखा रहा है, मतलब 6, और जो हम रुकेंगे बीच में 1-2 घंटे उसमें, तो मतलब 8-9 घंटे में पहुँचेंगे। और अभी जो टाइम हो गया ना वो 1:30 बज रहे हैं, मतलब 1:30 और हम पहुँचेंगे मान लो 8 घंटे, तो रात को 9-10 बजे ही पहुँचेंगे हम आज। और नज़ारा देखो कितना प्यारा, कितना सुंदर है, रिवर जा रहा है नीचे से, और सामने कार देखो, यहाँ पे हमें नई नई कार देखने को मिल रही है। और एक काम करूँगा मैं, बीच में ना कहीं भी सिनेमैटिक लगा दूंगा, जितनी मुझे नई नई कार जो इंडिया में नहीं है लॉन्च नहीं हुई है, जैसे कि ये देखो राइट से भी जा रही है, तो उनका एक सिनेमैटिक बना के लगाऊंगा, जिसको मन करे उसको देख लेना, नहीं स्किप कर देना। जैसे ये देख लो, ये आगे से फॉर्च्यूनर लगेगी, लेकिन फॉर्च्यूनर नहीं है रे बाबा। अभी अभी में ही मैंने आपको 3-4 कार दिखा दी, और पूरे दिन में सोचो हमें कितनी देखने के लिए मिलती है जो इंडिया में नहीं है। Didn't care for one another, you and I thought I was okay, till something in me changed, don't know why you got me high but I'm sober, you make me lonely when I'm by myself, I should be free but I'm. अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना यहाँ के रोडों का, यहाँ पे रोड अच्छे नहीं है, जगह जगह गड्ढे हैं और धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, मतलब पहाड़ों पर भी हमें धूल मिट्टी मिली, वैसे नॉर्मल तो है ही, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है और रोड पर गड्ढे बहुत हैं, बाकी सब बढ़िया है, बाकी मज़ा आ रहा है, बस रोड पर धूल मिलती है और गड्ढे मिलते हैं। कल जहाँ ऑफ रोड किया उन भैया ने ये भी बोला था वो रोड अच्छे, अनमोल कह रहा है ये रोड अच्छे हैं, ये रोड ही नहीं है। चलिए, एक बंदे को तो मैंने पकड़ लिया, ये सब्सक्राइबर हैं जो आए हुए थे होटल पर, कल भी आए थे आज भी, इनको तो पकड़ लिया मैंने। अनमोल और अभिषेक भी ज्यादा आगे गए नहीं होंगे। पर देखो वहाँ पर लिखा हुआ है ट्री हाउस, यहाँ पे काफी जगह देखा है मैंने पहाड़ों पर इस तरह लिखा रहता है, जो लोकेशन है जिस जगह का नाम है वो लिखा रहता है, और वो ना काफी अच्छा लगता है, और हमें पता भी रहता है फिर हम हैं कहाँ। अभी पानी पीने के लिए हम यहाँ रुके थे, और पीछे का नज़ारा देखो कितना प्यारा, कितना सुंदर है, रिवर जा रही है, ऑलमोस्ट फील वही है किन्नौर वाला, उत्तराखंड वाला, हिमाचल वाला, लेकिन थोड़ा वही है यहाँ पर जो लोग हैं वो थोड़ा अलग हैं, उनकी लैंग्वेज अलग है, और जो कार बाइक हैं कुछ मॉडल ऐसे हैं जो अलग हैं। और ये भैया बता रहे हैं कि इस तरह की राफ्टिंग भी होता है। अच्छा, राफ्टिंग होता है इस पर? हमारे वहाँ भी होता है ऋषिकेश में, अगर आप दुआर आएंगे तो मैं आपको राफ्टिंग दे दूंगा। और ये कह रहे हैं कि आप बहुत कम टाइम के लिए आए हो, कि 12-15 दिन के लिए, यहाँ अगर 2 साल के लिए भी आओगे ना और रोज अलग अलग जगह घूमोगे तो भी आपको 2 साल कम पड़ जाएंगे। इतना बड़ा है नेपाल? इतना बड़ा है, ये छोटा है, बट जो घूमने के लिए ठाव जगह है ना वो बहुत ज़्यादा है। पोखरा भी अगर आप 1 महीने के लिए आओगे तो पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। ये पोखरा में रहते हैं अभी, हमारे साथ आ गए हैं, राइड 100 किलोमीटर तक करेंगे, और फिर जहाँ हम अभी रुकेंगे खाने पीने के लिए, फिर वहाँ से वापस चले जाएंगे। अच्छा लग रहा है साथ में राइड? बहुत अच्छा लग रहा है, आपको ये BMW देख कर ही मजा आ रहा है। मैं मिरर पे देखे जा रहा हूँ, वो लाइट बहुत अच्छी दिख रही है, वहाँ मजा आ गया। लेफ्ट में मेरे वाला नज़ारा देख रहे हैं ना, ये नज़ारा देखकर दिल खुश हो जाता है। और ये ना ज़्यादातर दिख ही रहा है, मतलब फर्स्ट डे जब हमने नेपाल एंटर किया उसके बाद काफ़ी जगह ये हिमालयस वाला नज़ारा देख चुके हैं, बहुत अच्छा लगता है, वाइट वाइट बर्फ़ और उसके ऊपर जो सूरज की किरण पड़ती है ना, बहुत प्यारा लगता है। ये कौन सा रिवर है? सेती रिवर। ये आ गई है एक सिटी। और अपने इंडिया में क्या है ना, अगर आप पहाड़ों पर जाएंगे तो आपको काफ़ी दूर दूर सब कुछ मिलता है, यहाँ मैंने देखा है पहाड़ों पर भी इतनी बड़ी बड़ी सिटी बसी हुई है ना, देख लो कितनी बड़ी है। और जो पोखरा था वैसे तो वो भी पहाड़ पर ही है, तो बड़ी बड़ी सिटी प्लस पूरा क्राउड, मतलब पूरी भीड़ मिल जाएगी। जैसे हमारे वहाँ तो ये है कि अगर रात में आप अटक गए, कुछ पंचर हो गया, तो बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ कोई हेल्प के लिए भी नहीं मिल सकता। और ये देखो पिकअप ट्रक, मस्त लग रहा है। और ये वाला रास्ता जो है ना, मुझे तो बिल्कुल किन्नौर की याद दिला रहा है, जब हम चितकुल जाते हैं ना रामपुर होते हुए, वो बिल्कुल ऐसे ही रास्ता है, बिल्कुल ये साथ में रिवर चलती रहती है, यहाँ भी रिवर ही अराउंड 10 किलोमीटर से साथ ही साथ चल रही है, तो सेम ऐसे ही वहाँ पर होता है, सेम ऐसे ही यहाँ पर है। Till something in me changed, don't know why.
और ये रास्ते में मिल गए अभिषेक और अनमोल, रुके हुए थे, इन्होंने खा पी भी लिया है। इधर हैं ये दोनों और इधर है अभिषेक की बाइक। तो मैं खाने पीने वाला नहीं हूँ क्योंकि अगर मैं खाने के लिए रुकूंगा और लेट हो जाएंगे, तो जल्दी कवर करते हैं थोड़ा। अभी टाइम हो गया है 3:45 हो गए। कितने किलोमीटर कवर कर लिया अभी हमने? अभी कितने किलोमीटर? 94 किलोमीटर। 94 तो 94 किलोमीटर कवर कर लिया और अब रह गया होगा 104 किलोमीटर रह गया। और बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए हमने भैया को लिया हुआ है, ये बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे हैं। Still be feeling